नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 41,270 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 3,11,00,000 के पार। देश में एक दिन में 517 मरीजों की हुई मौत। अब तक कोरोना से 4,13,640 लोगों ने गंवाई अपनी जान। प्रदेश में मिले 41 नए मामले। प्रदेश में भी कोरोना के नए केस में लगी लगाम। एक दिन में मिले 41 नए केस, 24 घंटे में 7 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केस 823। मुंबई हादसे पर पीएम ने जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में हुए हादसे पर शोक जताया है। पीएम ने मृतक परिजनों के लिए 2,00,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। केरल में आरटीपीसीआर रिपोर्ट को लेकर सरकार का फैसला। कोविड-19 रोगी टीके के दोनों खुराक पा चुके व्यक्तियों को अंतर्राज्यीय यात्रा करने और परीक्षा देने के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में पहुंचे थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल कुरुक्षेत्र के तिरुपति बालाजी मंदिर और ज्योतिसर मंदिर, मां भद्रकाली मंदिर भी जाएंगे। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारियों के मांगों को लेकर रोष जाहिर किया है। जिला उपायुक्त ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम को अपनी मांगों के संबंधित मांग पत्र भी सौंपा। सरसा में डिप्टी सीएम ने मांगे पूरी होने का आश्वासन दिया है। कर्मचारियों के अनुसार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है और कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल को कल चंडीगढ़ में मीटिंग के लिए बुलाया। हरियाणा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बढ़ती जनसंख्या पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए पूरे देश में सख्त कानून लाने की मांग की है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि इस समय देश की आबादी 140 करोड़ है और उसे 280 करोड़ होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस पर सख्त कानून बनने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और आसाम में भी ऐसा कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। वहीं पंचायती चुनाव को लेकर गुर्जर ने बोला कि सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। कुछ लोग न्यायालय में हैं गए हैं, वहां से स्थिति क्लियर होते ही चुनाव करा दिए जाएंगे। स्कूल खोलने पर उन्होंने कहा कि जो पहले नियम कोरोना को लेकर लागू थे वह अभी भी लागू हैं और तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार इस पर नजर रखे हुए है। जेजेपी महिला नेत्री शीला भयाना कार्यक्रम में जेजेपी कार्यालय पहुंची। यह खबर जब किसान संगठन को लगी तो वहां पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। जेजेपी महिला नेत्री को काले झंडे भी दिखाए गए। बता दें कि डीएसपी बली सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। शीला सभा जेजेपी की महिला संगठन को संबोधित करने के लिए पहुंची थी। जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि आंदोलन कर रहे किसानों ने नहीं, कांग्रेसी हैं ये। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए रविवार को पंचकुला के जिला हक्का जोन अध्यक्षों, कार्यकारिणी और प्रकोष्ठों के जिला संयोजकों की नई नियुक्ति की है। भगवान परशुराम सभा की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में पहुंचे पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस किसानों को लेकर जो राजनीति कर रही है वह अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। कांग्रेस के 70 सालों के कार्यकाल में किसान और अन्य वर्ग का भला नहीं हुआ है। कांग्रेस ने किसानों के हक को मारने का काम किया है। तिगांव विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 28 हाउसिंग बोर्ड में सैकड़ों पौधे लगाए, साथ ही साथ पौधों का पालन पोषण करने के लिए आरडब्ल्यूए की महिलाओं को पौधों की जिम्मेदारी सौंपी है। विधायक का कहना है कि केवल पौधे लगाने से ही धर्म नहीं है बल्कि उनका पालन पोषण कर उन्हें बड़ा करना भी सबसे बड़ा धर्म है। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में
FMDA की दूसरी बार अहम बैठक की है। इस बैठक में फरीदाबाद के विकास और सौंदर्यकरण से जुड़े हुए कई फैसलों पर बातचीत हुई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मेरे दिल्ली आने को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हरियाणा के 8 जिले ऐसे हैं जिन्हें मैं दिल्ली आकर ही देखता हूं। सीएम मनोहर लाल केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से उन्होंने मुलाकात की, जिसको लेकर सीएम ने कहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। पंचकुला में अवैध हुक्का बार में सीएम फ्लाइंग की रेड हुई। सेक्टर 9 और 11 में लेट नाइट पार्टी चल रही थी। क्लबों में युवक युवतियों की भीड़ लगी थी। बिना लाइसेंस के ही शराब परोसी जा रही थी। बार में पुलिस ने करीब 300 हुक्के और अवैध शराब की बोतलें बरामद की हैं और मौके से कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया। पंचकुला पुलिस की कार्यप्रणाली की एक रिपोर्ट सीआईडी चीफ ने के साथ आला पुलिस अधिकारियों को भी सौंपी जाएगी। वहीं इन क्लबों को सील भी किया जा सकता है। फरीदाबाद के खोरी गांव में एक बार फिर से तोड़फोड़ शुरू हो गई है। गांव से जल्द अवैध निर्माण हटाने के लिए नगर निगम ने अर्थ मूवर्स मशीनें मंगवाई हैं। अर्थ मूवर्स मशीनों से जल्द अवैध निर्माण को हटाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निगम कार्रवाई कर रहा है। रोहतक में जारी महिला किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। शनिवार को मनीष ग्रोवर महिला किसानों के बीच पहुंचे और विवाद से उलझ गया। जिला प्रशासन के बीजेपी नेताओं और किसानों से कैनाल रेस्ट हाउस में की बातचीत। आपको बता दें कि जिसमें 19 जुलाई को होने वाली महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। सीएससी में काम कर रहे करीब 40 कर्मचारियों को बीते 2 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। ईगल इंटर ठेका कंपनी के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर आउटसोर्स कर्मचारियों ने सैलरी दिलाने की मांग की। गुरुग्राम में लाइसेंस और आरसी के लिए लोगों को विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग लाइसेंस और आरसी वक्त पर नहीं देता तो 20,000 रुपए का हर्जाना देगा। लाइसेंस सिस्टम को लेकर शिकायतों पर एक्शन लेते हुए एसडीएम ने फैसला लिया है। एसडीएम ऑफिस में बनने वाले दस्तावेज समय पर नहीं मिलेंगे तो अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। इतना ही नहीं, तहसील के अंदर भी अब लोगों को किसी भी दस्तावेज बनवाने के लिए टाइम नहीं खराब करना होगा। टोकन सिस्टम के साथ साथ ऑनलाइन सिस्टम को भी दुरुस्त कर लिया गया है। गुहाना में नागरिक अस्पताल में सेफ इंडिया फाउंडेशन ने गोविंद रसोई की शुरुआत की है। सीएमओ डॉक्टर जीएस पुनिया ने रसोई का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर की तैयारी कर रहा है। सीएमओ ने बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में 3,450 बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में 5 ऑक्सीजन प्लांट भी चालू करवाए हैं। भिवानी के गांव कोट में पानी की किल्लत के चलते ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चरकी दादरी में कोरोना महामारी के चलते सरकार के आदेशों के अनुसार आईटीआई खुलने लगी है। आपको बता दें कि महामारी को देखते हुए आईटीआई को प्रतिदिन 2 से 3 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। आईटीआई में बिना मास्क और सैनिटाइजर किए बिना स्टाफ समेत किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर आईटीआई में जगह जगह पर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। आईटीआई के प्रिंसिपल अजय कुमार ने बताया कि आईटीआई में लगभग 800 बच्चे हैं। बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अपना भविष्य बना सकें। गुलाचिका में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। 9 वर्षीय बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। एसडीएम कोर्ट के प्रांगण में गिरे बिजली के पोल से करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की है। पलवल सदर थाना क्षेत्र के देवर से भाभी को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लगभग 3 वर्ष से देवर का पीड़िता के घर पर आना जाना है, जिसके आधार पर युवक ने वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करता था।
करनाल के इंद्री रोड पर सड़क हादसा हो गया। एक्टिवा सवार तीन युवकों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, अन्य दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। स्काईलिंक कंपनी टावर लगा रही है और कंपनी जहां टावर लगाना चाहती है वहां पर आबादी वाली जगह है। टावर लगाने को लेकर मॉडल टाउन में रहने वाले लोगों ने रोष जताया है। रोष जताते हुए लोगों ने न्यू बस स्टैंड रोड को जाम कर दिया। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर कॉलोनी में टावर लगाया गया तो करेंगे नगर परिषद चुनाव का बहिष्कार। नूह के तिजारा मार्ग अरावली की चोट पर पेड़ से लटके हुए शव की सूचना का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक चंद्रपाल सिंह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। डीएसपी ने घटनास्थल की गहराई से जांच कर शव को जिला अस्पताल कर आफिया माड़ीखेड़ा के मॉर्चरी हाउस में रखवा दिया है। अंबाला में पुलिस ने दो गुना फायदा दिलाने वाली गैंग से 200 सदस्यों को धर दबोचा है। ये आरोपी लोगों को दोगुना और तीन गुना फायदे के लालच देकर ठगने का काम करते थे। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी करके पुलिस ने दो ठगों को नोटों के लगभग 55 गड्डियों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन गड्डियों में ठग सिर्फ ऊपर और नीचे असली नोट रखते हैं और बीच में प्लास्टिक के नोट का कागज रखते हैं। चंडीगढ़ मंदिर थाना क्षेत्र के बंदर घाटी में जंगल में बच्ची का शव मिला है। मौके पर डीसीपी मोहित हांडा के साथ डिटेक्टिव स्टाफ पहुंच गया। मामले में पुलिस युवती की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सीएमओ ने कहा है कि हर सीएचसी और पीएचसी पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। विभाग हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से नियमों की पालना करने के साथ वैक्सीन लगवाने की अपील की। भिवानी के अधिकांश हिस्सों में गर्मी के साथ साथ पेयजल की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कहीं पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रही है तो कहीं पर गंदा पानी सप्लाई के जरिए घरों तक पहुंच रहा है। पानी की परेशानी को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की मांग की। चिरंजीवी कॉलोनी में भी पिछले 3 दिनों से चिरंजीवी का पानी मिक्स होकर सप्लाई में आ रहा है। यमुनानगर के निजी कॉलेज में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विभाग की तरफ से यातायात नियमों की जागरूकता पर सेमिनार किया गया। सेमिनार में जिले के अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला रेडक्रॉस सोसाइटी ने आर्य समाज न्यू कॉलोनी में वैक्सीनेशन शिविर लगाया। शिविर में 250 कोविशील्ड और 100 कोवैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण नोडल अधीक्षक महेश मलिक ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कोरोना की तीसरी लहर पर अलर्ट है, इसके लिए सभी को सचेत रहने की जरूरत है। पंचकुला में डायरिया के मामलों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के अधिकारियों की रिपोर्ट ली। सीएमओ ऑफिस ने एक रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भेजी। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि अभयपुर में भारी संख्या में अवैध पानी के कनेक्शन लगे हैं। कुछ कनेक्शन सीवरेज लाइन के साथ लगे हैं जिनसे लीकेज होने के चलते डायरिया फैला। सीएमओ ने बताया कि मामले में कई टीमें बनाई गई हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। स्लम एरिया में अगले कुछ दिनों में कैंप लगाए जा सकते हैं जिससे डॉक्टर लोगों की जांच करेंगे। अम्बाला के धुरकोट इलाके में 20 साल की युवती लावारिस हालत में भटकती हुई मिली है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने युवती से पूछताछ की। युवती उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की रहने वाली है जो ग्रेजुएशन की छात्रा है। युवती मंगलवार को अपने घर से चंडीगढ़ बजलिंदर नामक युवक से मिलने जा रही थी। पुलिस ने युवती के बारे में माता पिता को सूचित कर दिया है। वहीं घर वाले जल्द ही युवती को ले जाएंगे। इसके साथ युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। अम्बाला में 14 वर्षीय बच्चे ने एक्टर बनने की चाह में खुद के अपहरण का नाटक रचा, लेकिन पुलिस ने बच्चे को 2 घंटे के अंदर बरामद कर लिया और उसके परिजनों को सौंप दिया। बच्चे के पिता की माने तो बच्चा घर से बैग में कपड़े लेकर और 18,000 रुपये नगद लेकर निकला था और अपने फोन से घर पर मैसेज किया कि उसका अपहरण हो गया है। पुलिस ने बच्चे की मोबाइल लोकेशन से उसे चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के पास से बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बच्चा फ्लाइट के जरिए एक्टर बनने के चक्कर में मुंबई जा रहा था। परिजनों का कहना है कि बच्चा अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ है और उसे समझा दिया गया है। परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया।
पलवल के हुडा सेक्टर 2 चौक पर बैंक में हुई 95 लाख रुपए की डकैती मामले में पुलिस ने बदमाशों से चंद कदम दूर है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के बाद से ही पुलिस बदमाशों को दबोचने के लिए पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक के आदेशों पर टीमें बदमाशों की जानकारी जुटाने में दबिश दे रही है। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। बैंक में जब लूट हुई थी तो उस वक्त कुल 3 करोड़ रुपए कैश मौजूद थे। जल्दबाजी में लुटेरे बैंक से 95,57,000 रुपए ही अपने साथ ले गए। बैंक में मौजूद कैशियर की समझदारी के चलते 2 करोड़ की नकदी लुटने से बच गई। फतेहाबाद के बनगांव में तेज रफ्तार कार ने 5 साल की बच्ची को कुचलने का मामला सामने आया है। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों का कहना है कि बच्ची रिश्तेदार के घर पर खेलने के लिए गई हुई थी। बाहर खेलते वक्त तेज रफ्तार कार ने उसे अपने चपेट में ले लिया। परिजनों ने कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुरुक्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन समेत कई उपकरण जब्त किए गए। मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आरके सहाय ने कहा है कि लिंग जांच गिरोह के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर एक्शन लिया गया है। पिछले 2.5 महीने से यह गिरोह एक्टिव बताया जा रहा है। करनाल में पश्चिमी यमुना नहर पर फिर से एक महिला ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। महिला ने नहर में छलांग लगा दी और डूबने लगी। पास खड़े लोगों ने महिला को बाहर निकाला। महिला के हाथ पर नीलम लिखा हुआ है। वो कहां की रहने वाली है और क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस को महिला के पास से फोन भी मिला है। फोन जब्त कर लिया गया है। रेवाड़ी में 6 जून को रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में मिले शख्स के शव के मामले में पुलिस एसआईटी का गठन किया गया है। मृतक के पिता का आरोप है कि उसके बेटे की हत्या की गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक ललित 5 जून को गांव से कुछ लड़कों के साथ बैठा हुआ था। सुबह उनके बेटे की मौत की सूचना मिली। मौत के बाद शख्स के सिर में चोट का निशान था। पानीपत के मॉडल टाउन में शख्स के आत्मदाह मामले में शव को परिजनों को लेने से इनकार कर दिया है। मृतक के चचेरे भाई पर आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामला दर्ज करके गिरफ्तारी में दावा कर रही है। गुरुग्राम सेक्टर 56 में दबंगों ने बाप बेटे की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि करीब 6 लोगों ने लाठी डंडों से दोनों को पीटा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी फरार है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कोविड से हालात सामान्य होने के बाद स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन अंबाला में शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ गई है। अंबाला में 35 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास प्रिंसिपल भी नहीं है। ऐसे में व्यवस्था पर असर पड़ता है। रोहतक पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला। इनेलो से नाराज लोगों से किसी प्रकार का विरोध न करते हुए पार्टी में वापस आने की बात कही है। चाहे वो जेजेपी नेता ही क्यों ना हो, ओपी चौटाला रोहतक पार्टी कार्यालय में पहुंचे थे। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि किसान आंदोलन ने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो जाति धर्म में बैठकर राजनीति करते हैं। इस किसान आंदोलन में सभी जाति धर्म के लोग ने एक मंच में अपनी आवाज उठाई है। ओपी चौटाला ने कहा कि 20 और 21 जुलाई को वो दिल्ली बॉर्डर पर लगे धरनों पर जाकर किसानों से बात करेंगे, जिन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में सबसे ज्यादा किसानों का शोषण किया गया। रेवाड़ी में सवारियों से भरी बस पानी में भरे अंडरपास में फंस गई। ग्रामीणों की मदद से अंडरपास से बस को बाहर निकाला गया। बस दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी। बस में 30 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने बताया कि उसे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था और बस अंडरपास में जाकर फंस गई। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पानीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में एलईडी लाइट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि फैक्ट्री के पीछे की तरफ से दीवार और छत में लेंटर के परखच्चे उड़ गए। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भिवानी में पावर ग्रिड के लिए अधिकृत जमीन में मुआवजे के लिए गांव निमड़ीवाली के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों ने 2 घंटे अर्धनग्न होकर धरना दिया। साथ ही मांगे न मानने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। सोनीपत के उल्दापुर गांव में पंचायती की जमीन पर 500 पेड़ का ऑक्सीजन बनाया गया है। आपको बता दें कि जहां पर हर उम्र के लोग पौधारोपण अभियान में शामिल हुए।
ट्रीमैन देवेंद्र सुरा ने ऑक्सीजन बाग में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिला उपायुक्त ललित सचिव और एसडीएम शशि वसुंधरा, पर्यावरणविद डॉक्टर अनिता समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए। जिले में अब तक 14 ऑक्सीजन बाग लगाए जा चुके हैं। ट्रीमैन देवेंद्र सुरा ने प्रयास से पौधारोपण का सफल ऑक्सीजन बाग लगाया गया। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल इन दिनों फिल्म धाकड़ की शूटिंग में बिजी थे, लेकिन अब अर्जुन के हिस्से का शूट पूरा हो चुका है। ऐसे में अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में अर्जुन के साथ ही कंगना रनौत भी नजर आ रही हैं। ऑडियंस को पसंद आ रहा है खतरों का खिलाड़ी। रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किया जा रहा शो खतरों का खिलाड़ी 11वां सीजन शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में बना हुआ। इस बार शो में एक से बढ़कर एक स्लैब्स बतौर कंटेस्टेंट नजर आएंगे, जिस वजह से फैंस सीजन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। शनिवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा लांबा इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। पिछले दिनों खबरों में तूल पकड़ने के बाद उन्होंने एक्ट्रेस के साथ अपने बॉयफ्रेंड के नाम और फेस को रिवील किया। कटरीना कैफ 38 साल की हो गई हैं। 16 जुलाई को उन्होंने जन्मदिन के मौके पर तमाम सितारों से लेकर उनके फैंस ने उन्हें बधाई दी। बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने अलहदा किरदार को वाहवाही बटोरने वाली अभिनेत्री सुरेखा सीकरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्क्रीन पर हनुमान जी के किरदार को 6 बार निभाने वाले रिकॉर्ड बना चुके एक्टर दानिश अख्तर अब जल्द ही बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हेयर स्टाइलिश आलिम हकीम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अजय देवगन की तस्वीर शेयर की है, उन्हें टैग किया है। इस फोटो में शेयर करते के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है कि डेडली अजय देवगन का डेडली लुक। फरहान अख्तर की हालिया रिलीज फिल्म तूफान को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। फिल्म को न केवल दर्शकों का बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से भी भरपूर प्यार मिल रहा है। कई फिल्मों में काम कर चुकी सीनियर एक्ट्रेस सविता बजाज की पाई पाई को मोहताज हो गई हैं। सविता बजाज कोरोना और बीमारी के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। अभिनेत्री रघुवीर यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा खगड़े लंबे समय से अलग रह रही हैं। दोनों के बीच विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। अब पूर्णिमा ने रघुवीर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।